हेलो नमस्कार आदरणीय अभिभावकगण, मैं आपका अपना प्यारा महेश सैनी, डायरेक्टर आरएससी स्कूल, आप सभी का इस वीडियो संदेश में स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय अभिभावकगण, आप सभी को सुनकर के खुशी होगी कि आपका अपना प्यारा आरएससी स्कूल 8 मई 2023 को अपने 13वें स्थापना के 13वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है, अर्थात 8 मई 2023 को सोमवार को आरएससी का 13th फाउंडेशन डे होगा, आरएससी का 13वां स्थापना दिवस। जी हाँ, आपकी अपनी प्यारी आरएससी अपने पूरे 12 साल के सफर को पूरा करके और श्रेष्ठ सफर को तय करके और अपने 13वें स्वर्णिम ईयर के अंदर, स्वर्णिम वर्ष में, एक संकल्प वर्ष के अंदर प्रवेश कर चुकी है। आइए हम सब मिलकर के इस 8 मई को कुछ भव्य और खास मनाते हैं, आरएससी के 13वें स्थापना दिवस को कुछ विशेष बनाते हैं। आरएससी स्कूल की तरफ से अपने आरएससी विद्यालय के, हम सबका प्यारा आरएससी विद्यालय को हम किस प्रकार से, के स्थापना दिवस को हम किस प्रकार से हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, कुछ क्या खास कर सकते हैं, इसके उपलक्ष्य में आरएससी स्कूल की तरफ से एक वीडियो कॉम्पिटिशन आयोजित किया जा रहा है। वीडियो कॉम्पिटिशन क्या होगा, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे, कैसे कैसे पार्टिसिपेट करना है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा और आप इस वीडियो को बिल्कुल भी बीच में नहीं छोड़ें, इसे अंत तक पूरा जरूर सुने। यदि आप चाहते हैं आपका बच्चा इस वीडियो कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आए, पार्टिसिपेट करे, या आपका बच्चा अपनी झिझक को निकालना चाहता है, आपके बच्चे को हम लोग मंच प्रदान करेंगे, तो उस मंच को प्रदान करने के लिए, आपके बच्चे के लिए हम लोग एक कॉम्पिटिशन लेकर के आए हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, 8 मई को ये कॉम्पिटिशन रखा गया है। इस कॉम्पिटिशन का किस प्रकार से पूरा आयोजन होगा मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 10 तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन तक के बच्चे इस वीडियो कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वीडियो कितने मिनट की होनी चाहिए, वीडियो लगभग 60 सेकंड अर्थात 1 मिनट का होना चाहिए। अगर आपका कोई टॉपिक अच्छा है तो वीडियो 1.5 मिनट की अर्थात 90 सेकंड की वीडियो भी हो सकती है, ध्यान रहे। लेकिन 1.5 मिनट से ज्यादा का जो वीडियो होगा वह एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो कोशिश करें अपना वीडियो 1.5 मिनट के अंदर ही समाप्त करने की पूरी कोशिश करें। तीसरा पॉइंट, वीडियो बनाते समय पेरेंट्स को ध्यान रखना है, बच्चों को ध्यान रखना है, आपका बैकग्राउंड केवल इन 3 कलर का ही होना चाहिए, येलो, रेड एंड ग्रीन। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, येलो, रेड एंड ग्रीन बैकग्राउंड होना चाहिए। पेरेंट्स अपनी सुविधा के हिसाब से कोई भी कपड़ा किसी भी प्रकार से पीछे बच्चे के लगा सकता है और वीडियो को शूट कर सकता है। चौथा पॉइंट, वीडियो शूट करते समय चारों तरफ बिल्कुल शांति हो, ऐसे समय शूट करें जहां शोर कम से कम हो। पांचवा पॉइंट, वीडियो शूट करते समय वॉइस क्लियरिटी अच्छी हो और वीडियो क्लियरिटी अच्छी हो, इसके लिए आप लोग ईयरबड्स का, ईयरफोन का, ब्लूटूथ इत्यादि का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करते समय क्या बोलना है बच्चे को, इसका टॉपिक आप सभी के ग्रुप के अंदर जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। हर बच्चे को उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग बोलना है। सबसे पहले स्टार्टिंग वीडियो करते समय क्या टॉपिक रहेगी, क्या पॉइंट्स बोलने, वो आप लोगों को ग्रुप के अंदर मैं जल्द ही आप लोगों को पहुंचाने वाला हूं। और सभी टीचर्स को बोल दिया गया है बच्चों की हेल्प के लिए, तो काफी टीचर्स ने बच्चों को कंटेंट तैयार करके बता भी दिया है, तो बाकी जो बच्चों को टीचर्स ने बताया है टीचर्स के अकॉर्डिंग ही बच्चे उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। अब वीडियो के अंदर टॉपिक क्या क्या रख सकते हैं, टॉपिक आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने सभी क्षेत्र के टॉपिक आप कर सकते हैं, जैसे कि भगवत गीता के संस्कृत श्लोक हो और साथ में उसका हिंदी वर्जन, आप वो भी चूज कर सकते हैं। रामचरित मानस की चौपाई हो, उसका हिंदी अनुवाद हो, आप वह भी यूज कर सकते हैं। आप किसी वीरांगना की कविता की कुछ पंक्तियां भी चयन कर सकते हैं। महापुरुषों, उनके कुछ बहुत अच्छे बेहतरीन कोटेशन हो, उनका भी यूज कर सकते हैं। आप अपने स्कूल के बारे में भी कुछ बोल सकते हैं, अपने टीचर्स के बारे में भी कुछ बोल सकते हैं, अपने पापा के, मम्मी के लिए भी कुछ बोल सकते हैं। जो भी टॉपिक जिसके अंदर आपको लगे कि आप सिद्ध हस्त हैं,
कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ अच्छा बोल सकते हैं, उसके अंदर जहां कंफर्टनेस फील करें उस फील्ड में आप लोग धर्म के बारे में बोल सकते हैं, आप लोग राजनीति के बारे में बोल सकते हैं, किसी भी फील्ड के अंदर कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, वीडियो के लास्ट के अंदर आपको क्या बोलना है वो भी मैं आप लोगों को ग्रुप में ही शेयर करूंगा। अब वीडियो कॉम्पिटिशन कैसे स्टार्ट होगा, कब तक करना है, मैं इसके बारे में बताता हूं, तो ध्यान से सुनिएगा डियर पेरेंट्स। वीडियो आप लोग आज भी शूट कर सकते हैं, कल भी शूट कर सकते हैं। 8 मई को यानी 8 मई को शाम 7 बजे तक आप लोग अपने क्लास टीचर को पर्सनल वीडियो सेंड कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, 8 मई को शाम 7 बजे 7 PM तक आप अपना अच्छा सा वीडियो बनाकर, मैक्सिमम केवल 1.5 मिनट का, उससे ऊपर का वीडियो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपको केवल अपने क्लास टीचर के व्हाट्सएप नंबर पर ही सेंड करना है, ग्रुप में नहीं सेंड करना है, इस बात को ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरी बात, जो वीडियो सबसे अच्छा होगा सेलेक्ट होगा वही वीडियो RSC स्कूल के YouTube चैनल पर अपलोड किया जाएगा और उसका लिंक जारी किया जाएगा। वह लिंक सभी बच्चों को उनके क्लास के ग्रुप में मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। ध्यान रखना है, आपको वीडियो बनानी है, 1.5 मिनट से ज्यादा की वीडियो नहीं होनी चाहिए, बैकग्राउंड येलो ग्रीन रेड होना चाहिए, वीडियो का टॉपिक कुछ भी हो सकता है, वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बोलना है और एंड में क्या बोलना है वो मैं आप लोगों को अभी कंटेंट सेंड कर दूंगा। वीडियो बना करके आपको अपने क्लास टीचर के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करनी है, जो वीडियो अच्छी होगी उन्हें स्कूल के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाएगा, लिंक क्रिएट किया जाएगा, उस लिंक को ग्रुप में सेंड किया जाएगा। और कंपटीशन कैसे स्टार्ट होगा, लास्ट की मेरी बातें मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। वीडियो जो चालू होगी अपलोड हो जाएगी, कंपटीशन कब से स्टार्ट होगा, कंपटीशन स्टार्ट होगा 9 मई शाम 6 बजे से कंपटीशन स्टार्ट होगा। 9 मई को शाम 6 बजे से कंपटीशन स्टार्ट होगा। कंपटीशन के अंदर आपको क्या करना है, आप अपने बच्चे की वीडियो को आप सोशल मीडिया पर, आपको अपने सोशल मीडिया पर अपने रिलेटिव्स को जिसको आप लोग भेज सकते हैं, आपके व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट लिस्ट में सबको शेयर करनी है। जिस वीडियो में वीडियो जो रहेगा वो जो वीडियो का रहेगा वो लगभग 72 घंटे का पूरा प्रोग्राम रहेगा। 9 तारीख को 6 बजे से वीडियो का कॉम्पिटिशन स्टार्ट होगा, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख। 12 तारीख को शाम 6 बजे वीडियो का कॉम्पिटिशन बंद हो जाएगा, यानी 9 मई को 6 बजे से कॉम्पिटिशन स्टार्ट होगा और 12 मई शाम 6 बजे पर कॉम्पिटिशन समाप्त होगा। 12 मई को 6 बजे तक जिस बच्चे की वीडियो के ऊपर सबसे ज्यादा व्यूज होंगे, जिस बच्चे की वीडियो पर सबसे ज्यादा व्यूज होंगे उस बच्चे की वीडियो को फर्स्ट पोजीशन दी जाएगी। ऐसे हम फर्स्ट से लेकर 10 तक 5 वीडियो हम लोग सिलेक्ट करने वाले हैं। जो बेस्ट 5 वीडियो होंगे जिसपे सबसे ज्यादा व्यूज होंगे, सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे, सबसे ज्यादा व्यूज होंगे, उस बच्चे की वीडियो को सेलेक्ट करेंगे स्कूल की तरफ से और उन बच्चों को बेहतरीन पुरस्कार दिए जाएंगे। तो है ना इंटरेस्टिंग कॉम्पिटिशन, आपको अपने बच्चे को, सबसे अच्छी बात बच्चों को मंच प्रदान हो रहा है स्कूल की तरफ से, सोशल मीडिया पर उस वीडियो को बहुत सारे सैकड़ों लोग देखेंगे, हजारों लोग देखेंगे, हो सकता है आपके बच्चे का वीडियो वायरल हो ताकि सब लोगों तक पहुंचे आपके बच्चे की प्रतिभा। और इसका एक बेनिफिट क्या होगा हमारा इस वीडियो को लेने, कॉम्पिटिशन लेने का, इससे बच्चे को अपनी अंदर की प्रतिभा को निकालने का मौका मिलेगा, झिझक को निकालने का मौका मिलेगा। ऐसे कॉम्पिटिशन में पेरेंट्स अपने घर पे शूटिंग करें और अच्छा से वीडियो बना करके भेजें। ध्यान रहे, 8 मई को शाम 7 बजे तक आपको वीडियो भेजनी है अपने क्लास टीचर के ग्रुप्स पे, 9 तारीख को शाम 6 बजे से कॉम्पिटिशन स्टार्ट होगा, ठीक है, और कॉम्पिटिशन 12 मई शाम 6 बजे तक चलेगा, यानी आपके पास 3 दिन मिलेंगे। 3 दिन में आपको अपने बच्चे की वीडियोस को बहुत ज्यादा सपोर्ट देना है, लाइक्स करवाने और शेयर करवाना है सबसे ज्यादा हर आप लोगों को मीडिया प्लेटफॉर्म पर। 12 मई को शाम 6 बजे बाद जिसके जितने वीडियोस होंगे हम सेलेक्ट करेंगे और हम 13 मई को विजेताओं के नाम घोषित करेंगे, उन्हें बुला करके स्कूल के अंदर उचित पुरस्कार दिया जाएगा। तो आप सभी को
कंपटीशन से संबंधित किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पर्सनली जानकारी ले सकते हैं। आपकी आरएससी 8 मई को कुछ नई घोषणा करने वाली है और भी बहुत सारी आप हम लोग मिल करके आरएससी का 13 फाउंडेशन डे 13वां स्थापना दिवस मनाएंगे। आपकी आरएससी 13वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। आप सभी को वापस से पुनः शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। शुभ रात्रि। जय हिंद। जय आरएससी। धन्यवाद।